तो गाइस अगर आप लोग सी एस बी पॉइंट लेते हैं या फिर बी सी पॉइंट लेते हैं, चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे किसी बड़े बैंक का हो, चाहे किसी पेमेंट बैंक का हो, तो अगर आप लोग किसी भी बैंक का अगर बी सी पॉइंट या सी एस बी पॉइंट लेते हैं तो आप लोग को कितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, कितना ज़्यादा टारगेट को कम्प्लीट करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर टारगेट का नाम सुनते ही हमारे कुछ सी एस बी संचालकों को ऐसा लगेगा कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में जो टारगेट वगैरह दिया जाता है कुछ इस तरीके का टारगेट होता है क्या बी सी पॉइंट लेने के बाद, तो ऐसा टारगेट नहीं होता है। लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को टारगेट दिया जाता है, प्लस आप लोगों को प्रेशर पर प्रेशर दिया जाएगा ग्रुप में, प्लस पर्सनल कॉल करके मैसेज करके तरह तरह के आप लोगों को जो है कि टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। तो बेसिकली एक सीएसपी पॉइंट लेने के बाद आप लोगों को किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, किस तरीके से आप लोगों को जो है कि टॉर्चर किया जाता है टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। यहां पर मैं किसी स्पेसिफिक बैंक के बीसी या फिर सीएसपी के बारे में नहीं बताऊंगा कि आप जो है कि इस बैंक के इस सीएसपी पॉइंट का जो है कि आप लोग अगर बीसी लेते हैं तो आप लोग इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं लोग। लेकिन यहां पर मैंने जिस कंपनी का बीसी पॉइंट लिया हुआ है, जिस कंपनी का मैंने सीएसपी लिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा प्रेशर मुझे दिया जा रहा है, जिससे कि मैं जो है कि लोगों का अकाउंट ओपन कर सकूं। देखिए अगर आपने मान लीजिए किसी जो है कि फेमस बैंक का अगर आप लोगों ने सीएसपी पॉइंट ले लिया है, बीसी पॉइंट ले लिया है, तब तो चलिए ठीक है, आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग का सर्विस मिलता रहेगा और आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती से किसी ऐसे बैंक का बीसी पॉइंट सीएसपी पॉइंट ले लिया जिसको लोग बहुत कम जानते हैं और लोगों का ट्रस्ट उस पर कम है, तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि आपके अपर में जो भी अधिकारी होंगे उन लोगों को अकाउंट ओपनिंग चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक अपना सीएसपी पॉइंट या मिनी ब्रांच इसीलिए ओपन करता है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का अकाउंट ओपन कर सके अपने बैंक में। अब ऐसे केस में आपने जिस बैंक का सीएसपी पॉइंट लिया है, अगर लोगों का ट्रस्ट उस बैंक पर कम है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अकाउंट ओपनिंग का बहुत ही कम केस आएगा। अब ऐसे में जब आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एक बैंक का बीसी लिया हुआ है और मुझे ऑफिशियली ग्रुप में ऐड किया गया है, और किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है यहां पर ग्रुप में, तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप में आप इसे इग्नोर करते हैं और दोबारा से आप इनके अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं तो आप लोगों को पर्सनल मैसेज किया जाता है, इवन पर्सनल कॉल भी किया जाता है, और आपका जो सीएसपी आईडी है उसे बंद करने का या फिर सीज करने का भी नोटिस आप लोगों को देने की बात बोला जाता है। यानी कि अगर आप लोग इनके बिहाफ पर अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप जो कि अकाउंट ओपनिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करोगे, तो आपने जो पैसा लगा करके सीएसपी पॉइंट या फिर बीसी पॉइंट लिया हुआ है उसे ये लोग ब्लॉक भी कर देंगे, इसे ये लोग डिसेबल भी कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से तो बोला ही जाता है, सभी बैंक के बीसीओ में यह नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ गिने चुने हैं जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही यहां पर सुबह होता है तो तुरंत एक मैसेज आ जाता है कि आज सभी रिटेलर भाई लोगों को जो कि सीएसपी संचालक भाई लोगों को 10-10 सेविंग अकाउंट ओपन करने हैं, और किसी किसी में तो ये होता है कि 20-20 सेविंग अकाउंट ओपन करने हैं, जबकि कुछ में ये भी होता है कि जो है कि सुबह शाम दोपहर मैसेज आता रहता है कि भाई आप लोग इतना अकाउंट को ओपन कीजिए, आज कम से कम 3 अकाउंट ओपन होने चाहिए, जो है कि इस स्कीम के तहत 4 अकाउंट ओपन होने चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को सुबह शाम दोपहर जिस तरीके से एक दवा खाई जाती है ना, सेम एज इट इज उसी तरीके से आप लोगों को मैसेज, ईमेल, जो है कि कॉलिंग, इस तरीके से तमाम जो है कि आप लोगों को प्रेशर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि एक दिन दो दिन हो गया, जब आप लोगों को पर डे वही चीजें जब बोली जाएंगी तो आप लोग भी जो कि एस्केटा जाएंगे, यानी कि परेशान हो जाएंगे उससे, ठीक है। और जिसकी आदत अगर एक बार बन गई सुनने की, वो तो चलिए ठीक है। ये बताइए कि मुझे मॉर्निंग में 5 सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैसेज आ गया है कि आपको जो है कि आज दिन भर में 5 सेविंग अकाउंट ओपन करने हैं, लेकिन अगर मेरे पास 3 ही ग्राहक हैं और मैं 3 ही का सेविंग अकाउंट ओपन करा पाया, तो ये बताइए मैं 2 को कहाँ ढूंढने जाऊँगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जब शाम को देना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ठीक ठाक बैंक है, अगर आपके बैंक के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है और लोग आपके पास आकर के अकाउंट ओपन करवाते हैं, तब तो चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट आपके पास आकर के ओपन नहीं करवाते हैं तो आप लोग को रात में यानी कि शाम को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि आखिर आपके पास अकाउंट क्यों नहीं ओपन हुआ। और वैसे भी आज के समय में डिजिटल टाइम में जिसके पास भी स्मार्टफोन है, सारे के सारे लोग ऑनलाइन ही अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए है किसी भी बैंक के बीसी पॉइंट के पीछे की सच्चाई। अगर आप लोग इतना सारा झेल सकते हो, अगर आप लोग इतना ज़्यादा एफर्ट लगा करके उनका जो है कि टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, तब तो आपको लिए ठीक है। अब देखिए बेसिकली जो आपके ऊपर अधिकारी होते हैं उन लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी बैंक की तरफ से प्रेशर रहता है कि हमने इतना ज़्यादा बीसी पॉइंट दिया है, हमने इतना ज़्यादा सीएसपी पॉइंट ओपन रखे हैं,
पूरे दिन में केवल 200 ही अकाउंट ओपन हुए। ठीक है, इस तरीके से बैंकों के तरफ से ही आपके अपर अधिकारियों के ऊपर प्रेशर होता है। अब इसमें बीच में वो लोग भी क्या करें, वो लोग भी आपको प्रेशर करते हैं, आप लोग को जो है कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं वो लोग। ठीक है, ये देखिए काला सच्चाई है। अगर आप लोग जो है कि AEPSC रन कर रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिल करके और आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो आप लोग उसी में लगे रहिए, बैंक VC के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। अगर आपका 25-30 हज़ार की कमाई हो जाती है तो आप लोग को बैंक VC लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक VC संचालक भी इससे ज़्यादा का रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। अगर उसका CSP पॉइंट अच्छे खासे से चलता होगा तो मान लीजिए 30,000-35,000 इससे ज़्यादा रिवेन्यू नहीं बना पाएगा। ठीक है, इंसेंटिव मिला करके प्लस कमीशन। तो यही देखिए एक CSP पॉइंट लेने के पीछे की सच्चाई है कि कितना ज़्यादा आप लोग को प्रेशर मिलता है, कितना ज़्यादा टारगेट आप लोग को कंप्लीट करना रहता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।